हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा स्टॉर्म एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फोन हीट होता है यानी कि गर्म होता है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। फोन को रीस्टार्ट करने के लिए आपको फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने पेज आएगा, इसमें रीस्टार्ट पर टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आप देखिए कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप कभी भी अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं तो मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए हमेशा अपने फोन के साथ वाला चार्जर आपको यूज करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी भी दूसरे फोन का चार्जर यूज कर लेते हैं अपने फोन को चार्ज करने के लिए, इससे हमारा मोबाइल फोन हीट होता है, गर्म होता है। क्योंकि देखिए, दूसरे फोन का जो चार्जर होता है वो हमारे फोन को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता है, इस कारण मोबाइल फोन हीट करता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखनी है, कभी भी आप अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगा के अपने फोन को इस्तेमाल नहीं करना है, इससे ही मोबाइल फोन हीट होता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको कुछ ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों अगला काम यह करना है कि मोबाइल फोन का आपको ना सॉफ्टवेयर चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू करना है। इसके बाद आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे आना है, सिस्टम पर आपको टैप करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको नीचे की साइड सिस्टम अपडेट पर टैप करना है। अब आपको जो है ना इस वाले पेज पर अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला काम करना क्या है, देखिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप अपने मोबाइल फोन में कभी भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं ना, जैसे कि इंटरनेट चालू करें कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो इससे मोबाइल फोन हीट होता है। ठीक है, ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ जिसका ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप अपने मोबाइल फोन को कभी भी अगर ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कंटिन्यू आपने अपने मोबाइल फोन को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा यूज़ करा, ठीक है, तो अगर आप अपने मोबाइल फोन को तुरंत चार्जिंग पर लगा देंगे तो इससे मोबाइल फोन जो है ना हीट होगा। तो आपको अपने मोबाइल फोन को तुरंत चार्जिंग पर नहीं लगाना है, आपको मोबाइल फोन को थोड़ा 10-15 मिनट का रेस्ट देना है, उसके बाद आपको मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाना है, तब हीट नहीं करेगा। ठीक है, अगला काम ये करना है मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे डिलीट ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद आपको फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पर दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपका मोबाइल फोन हीट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। ठीक है।